Hello everyone, I am Bhavna and you're watching Siddhi Vlogs. I welcome you all to my channel. I hope you all are doing great and keeping yourself healthy. तो जैसे कि आप आज का टाइटल ऑलरेडी देख चुके हैं कि आज मैं अपने तीन जो दिन के मेजर मील्स होते हैं यानी कि लंच डिनर एंड ब्रेकफास्ट उसमें सिर्फ पोलिश क्विजीन खाने वाली हूँ अभी मजा आएगा ना भिड़ो पोलिश खाना खाने वाली हूँ जो भी यहाँ पे मिलता है तो इसके लिए मैं थोड़ी सी शॉपिंग करके आ चुकी हूँ ऑलरेडी बिकॉज पोलिश खाना मुझे बनाना नहीं आता है ऑब्वियसली तो मैं थोड़ा सा बाहर से लेके आई हूँ कुछ उसमें से फ्रोजन है कुछ उसमें से इंस्टेंटली ईट करने वाला है तो देखते हैं ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है मेरा पोलिश फूड के साथ आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू तो अभी हो रहे हैं सुबह के 9:44 आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट जो है यूजुअली मैं 9:00 तक कर लेती हूँ तो जैसे कि आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं ऑलरेडी कि मैं आज लंच डिनर और ब्रेकफास्ट में सिर्फ पोलिश खाना खाने वाली हूँ तो मेरा फर्स्ट मील ऑफ द डे जो कि ब्रेकफास्ट होता है वो मेरे सामने है और ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें मैंने क्या लिया है ये एप्पल पैनकेक्स हैं ये पागजैक है यानी कि डोनट पोलिश डोनट बोलते हैं इसको और ये क्रोजेंट्स हैं बाकी यहाँ पे इसके साथ कॉफ़ी पी जाती है बट मैं कॉफ़ी इतनी पसंद नहीं करती हूँ आई डू ड्रिंक कॉफ़ी बट मैं सुबह सुबह मुझे चाय चाहिए होती है आई एम नॉट टी लवर चाय पी लो तो ये मैं खाने वाली हूँ और बताती हूँ आपको इसका टेस्ट कैसा है और मुझे कैसा लगा तो इन्जॉय करिएगा यू नो यूजुअली मैं मीठा ब्रेकफास्ट अवॉइड करती हूँ मतलब ओट्स हो दलिया हो कुछ भी मीठा हो मुझसे सुबह सुबह नहीं खाया जाता सुबह आई नीड समथिंग सॉल्टी बट ये पैनकेक्स जो हैं ये हालांकि स्वीट हैं बट इनका स्वीटनेस इतना बैलेंस्ड है और इनके अंदर एप्पल की फीलिंग है मैं आपको एक बार एक ओपन करके दिखाती हूँ ये हाथ से ही कर देती हूँ ये आपको ये जैम जैसा कुछ दिख रहा होगा ये एप्पल है तो जो स्वीटनेस है ना वो एप्पल की आ रही है वो शुगर की नहीं है इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा शुगर इन्होंने ऐड नहीं किया है जो इसको बहुत अच्छा बना रहा है तो ये काफी सही है और ये तो मैंने पहले भी खाया है नो द टेस्ट अरे कहना क्या चाहते हो पागजैक एज यूजुअल जैसा टेस्ट होता है यूजुअली इसका वैसे ही है अच्छा है स्वीट है Croissant. Are you going to finish that croissant? It's my favorite. मुझे बहुत पसंद है मतलब मैं इसको रोज खा सकती हूँ सिर्फ एक कप चाय के साथ क्योंकि इसमें जो बटर का और हल्का सा सॉल्ट का फ्लेवर आता है ना वो बहुत टेस्टी होता है आई रियली लव दिस ये तो था मेरा ब्रेकफास्ट और मेरे लिए दो पैनकेक्स थोड़े ज़्यादा हो गए बट आई थिंक मैंने हाफ मोर देन हाफ फिनिश कर दिया ऑलरेडी चाय पीऊँगी बस अब थोड़ी सी ठंडी हो गई है इसको वापस से गर्म करके पीऊँगी तो ये तो था मेरा ब्रेकफास्ट अब आपसे हम मिलते हैं लंच में नाउ फॉर लंच आई हैव ऑन माई प्लेट सम पिरोगीज विद फ्राइड अनियंस ऑन द टॉप इसके साथ मैंने थोड़ा सा ऐड किया है चीज़ी डिप होती है ये वो है और ये स्पाइसी सॉस है कोई ये ओरिजिनली पिरोगीज के साथ इस तरह की कोई डिप नहीं आती है जनरली दे ईट इट मीट स्टू और सम सूप या ऐसे ही भी खाते हैं तो आई एम गोइंग टू ट्राई इट विद दीज सॉस लेट्स गेट स्टार्टेड लुक्स यम लेट्स सी कैसा है द टेस्ट इज़ रियली गुड हालांकि उसमें जो सिर्फ सॉल्ट ही डला है कोई स्पाइसेस और नहीं है सिर्फ सॉल्ट का ही टेस्ट आ रहा है बट सिंस मैंने इन डिप्स के साथ लिए हैं तो वो ज़्यादा ओवर पावरिंग था टेस्ट इसको मैं अब सिर्फ विदाउट एनी डिप ट्राई करती हूँ ताकि मुझे पता लगे कि इसका एक्चुअल टेस्ट कैसा है पटेटो एंड चीज़ तो मुँह में आते ही एकदम मेल्ट हो रहे हैं तो वो तो पता लग रहा है कि वो इसमें है स्पाइसेस का आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने वो डिप के साथ खाया है तो मुझे आइडिया नहीं लग रहा है अभी मैं इसको विदाउट
डिप लेके देखती हूँ कैसा है इसका टेस्ट. इट इज एक्चुअली वेरी नाइस यू नो. एकदम पटेटो जो इसके अंदर फिलिंग है वो एकदम अच्छे से मैश्ड है बिल्कुल. मतलब आपको चीज में और पटेटो में फर्क नहीं पता लगेगा कि कौन सा पार्ट चीज है कौन सा. वो इतने अच्छे से ब्लेंड हो रखे हैं, इतने अच्छे से मिक्स हो रखे हैं, बिल्कुल मैश्ड है. तो मैं आपको एक अगर अंदर से दिखाऊं तो ये देखिए, इट्स एकदम ऑलमोस्ट पेस्ट जैसी फॉर्म है इसकी. तो ये जो है एक अच्छा फैक्टर है इसमें. और विदाउट स्पाइसेस भी वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब खाया जा सकता है. ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा मैं इसके बारे में सोच रही थी कि कम स्पाइस होगा, सिर्फ सॉल्ट होगा तो पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं आएगा. बट इसको मैं विदाउट दीज डिप्स और इस स्पाइसी सॉस के बगैर भी खा सकती हूँ, बिकॉज उसका अपना चीज़ का और जो अनियन का पोटैटो का फ्लेवर आ रहा है वो काफ़ी अच्छा है. तो मैं अब इसको इंजॉय करती हूँ. जो अगर आप मार्केट से लेंगे पिरोगीज जो होते हैं, इसको देख के जब मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे मार्केट में देखा था तो इसको देख के मुझे ऐसा लगा था कि ये मोमोज हैं. अलग अलग होते हैं क्या? क्योंकि पिरोगीज जैसी कोई चीज मैंने कभी सुनी नहीं थी इससे पहले, ना कुछ खाया था. इट्स वेरी मच सिमिलर टू मोमोज, बट इसमें फर्क ये है कि इनको स्टीम नहीं किया जाता, इनको पानी में बॉइल किया जाता है. तो मैं भी जो फ्रोजन लाई थी मैंने इसको 2 मिनट्स के लिए पानी में बॉइल किया था, एंड वंस दे स्टार्ट फ्लोटिंग जस्ट ऑन द टॉप तो आप इसको निकाल सकते हैं और खा सकते हैं. तो देखने को एक बारी को तो कोई इंडियन यहाँ पे आएगा या कोई ऐसा आएगा जिसने मोमोज पहले खाए हैं तो उसको ये डेफिनेटली लगेगा कि मोमोज ही हैं. तो ये मोमोज के भाई बहन जैसे ही हैं, वेरी सिमिलर टू दैट. ये आपको चिकन एंड यू नो मीट, जो नॉर्मल रेड मीट होता है उसकी स्टफिंग में भी मिलते हैं, बट पोटैटो पिरोगीज यहाँ पे बहुत फेमस है. बहुत यहाँ का ट्रेडिशनल खाना जो होता है उसमें से एक होते हैं. It was all in my lunch today. Keep watching. Welcome back to my dinner table. तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि लंच में और ब्रेकफास्ट में मैंने सिर्फ पोलिश खाना ही खाया है, तो अब बात आ जाती है डिनर की. डिनर में मैं ले रही हूँ गोवोप्की, बोलते हैं गोवोप्की. ये मैं लेके आई हूँ अपने लिए. ये वेजिटेरियन है. ये बेसिकली बनती है राइस में कैबेज, कैरेट और मशरूम्स वगैरह ऐड करके, उसका अच्छा सा मिन्स तैयार करके, एकदम बारीक बारीक उसको चॉप करके, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी की लीफ के अंदर इसको स्टफ़ किया जाता है. जैसे हम स्प्रिंग रोल्स बनाते हैं, अंदर एक पत्ते के अंदर भरा जाता है उसको, वैसे ही साइड से बंद करके रोल करके, फिर एक पॉट में उसको गर्म पानी में और या तो टमेटो सूप में उसको पकाया जाता है. इसमें स्मेल से तो एकदम टमेटो का फ्लेवर, और आपको दिख रहा होगा एकदम रेड रेड है. ये इसलिए है क्योंकि ये टमेटो सॉस में कुक होता है वेजिटेरियन वाला. जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मीट मिंस जो होता है उससे बनता है. वो चिकन स्टू या मीट स्टू जो होता है उसमें इस कैबेज रोल को पकाया जाता है. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. और मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है क्योंकि मुझे बहुत ढूंढने के बाद, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ के पोलिश स्टोर्स में कि जो इनका ट्रेडिशनल खाना होता है वो लोकल स्टोर्स में भी पैकेज्ड फूड में मिल जाता है. तो अगर कोई फॉरेनर उसे ट्राई करना चाहता है तो उसको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है, दे कैन जस्ट बाय इट फ्रॉम द स्टोर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यू नो जो अंदर ही वेजिटेबल्स हैं वो हल्की सी कच्ची लग रही हैं, बट आई थिंक ये ऑथेंटिक टेस्ट ही होता है इसका कि वो थोड़ी सी आपको रॉ लगेंगी. हल्का सा उसमें एक रॉ फ्लेवर आ रहा है, बट इट इज़ नाइस. फ्लेवर्स मेरे हिसाब से नमक कम है और स्पाइसेस भी कम है, बट ट्रेडिशनल, अगैन आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दैट जो ट्रेडिशनल पोलिश खाना है वो इसी तरह के टेस्ट का बनता है. तो नो कंप्लेंट्स. मैं चाहूँगी तो मैं ऊपर से ऐड कर लूँगी, बट इतना कम भी नहीं है, खाया जा सकता है. और एक और बात मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि मैंने जो पिरोगीज खाई थी वो भी वन ऑफ द ट्रेडिशनल फूड ऑफ पोलैंड है. सेम गोज फॉर दिस कैबेज रोल ऑल्सो. ये बहुत कम जगहों पे आपको मिलेगा, अब हर रेस्टोरेंट में अवेलेबल भी नहीं होता ये, तो बहुत कम जगह पे मिलता है ये.
पोलिश स्टोर्स में इजीली अवेलेबल है कैंड फॉर्म में, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो राइस भी है, मैं एक बार दिखाना चाहूंगी। इसके अंदर जो फिलिंग है वो राइस में मिक्स करके कैबेज और वेजिटेबल्स की बनती है। ये मैं तसल्ली से एक बार दोबारा गर्म करके खाना चाहूंगी बिकॉज ये थोड़ा सा ठंडा हो गया। सो दिस वॉज ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा ये जो लंच डिनर एंड ब्रेकफास्ट में पोलिश खाना खाने का एक एक्सपेरिमेंट था वो भी पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अंटिल वी मीट अगेन, स्टे होम, स्टे सेफ।